ये जो एक कक्षा 12 के अध्याय एक जो भूगोल का चैप्टर है उसका लघुतर प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर है। तो इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, 7-8 नोट है, 9 क्वेश्चन शायद हैं। तो इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो भी कमेंट करेंगे उसका चैप्टर यानी कि उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल को परिभाषित करना है तो उत्तर हो जाएगा, मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के मध्य मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला भूगोल मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, आसानी शब्दों में समझ लीजिए, मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन जो करने वाला चीज़ होता है यानी कि उसको भूगोल कहते हैं, भूगोल कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरे शब्द में दिया गया है, मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण से प्रभावित होने के कारण इसे सभी मानव पोषित तत्वों का अध्ययन होता है। अब यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिए, लिख के याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार किससे है। एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार किसे से है। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, एक विषय के रूप में भूगोल का सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना तथा उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बाद में याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अभी मैं इसको बताता चलता हूँ, जिससे आप लोगों को लिखने में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है, मानव भूगोल के संबंध में सैंपल के प्रमुख रूप से किन बातों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो मानव भूगोल के संबंध में सैंपल ने अस्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन पर बल दिया है। यह आंसर इसका छोटा छोटा सा ही आंसर क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपको लिखते चलिए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, कृषि भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तर हो जाएगा, कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि संबंधित गतिविधियों जैसे फसलों का उत्पादन, पशुपालन, फसल चक्र, शस्य गहनता, जल संसाधन आदि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिखते चलिए। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो सांस्कृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव का रहना सहन, रहन सहन, खान पान, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल का अध्ययन होता है। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषित यही सब आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसके संबंधों का अध्ययन होता है। तो उत्तर हो जाएगा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विपणन, संसाधन, पर्यटन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 भी है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, नहीं तो आप लोग भूलते भी जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद में किस शक्ति की प्रधानता है। पर्यावरण निश्चयवाद में प्रकृति शक्ति की मुख्य प्रधानता होती है। इसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के प्रति क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। इसका आंसर पूरा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ, सीरियल वाइज आपको प्रश्न भी बताते चलते हैं, जिससे आप लोगों को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से भौतिक कारक उन मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, जलवायु उच्च वाज, प्रकृति, वनस्पति, ऐसे भौतिक कारक हैं जो मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधन को विभिन्न संभावनाओं में बदलना समवाद कहलाता है। इसके जनक विडाल डी लावलास्टी है। ठीक है, इसको जो कि मैंने अभी आपको अगले वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न में बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न जो लास्ट है, ये प्रश्न 11 नंबर है, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार के समवाद को जन्म दिया। प्रौद्योगिकी ने प्राकृतिक संसाधन के विषय समझ पैदा कर
एवं विभिन्न संवादों को जन्म देकर संवाद को जन्म दिया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न और भी हैं इसी वीडियो में, तो ठीक है उसको भी देख लेते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न को। और ये सभी प्रश्न जो हैं दो दो नंबर की हैं, तो आपके दो नंबर आसानी से बन जाएंगे अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हो। अब तो ये चलिए इसका 12 नंबर स्टार्ट करते हैं। संवाद में किसकी प्रधानता अधिक होती है? संवाद में मानव शक्ति की प्रधानता अधिक होती है। इसके अनुसार मानव शक्ति प्रदत्त संसाधनों का इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकती है। प्रश्न 13 है, नौ निश्चयवाद किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ट्रेलर द्वारा प्रतिपादित नौ निश्चयवाद पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वयों पर आधारित अवधारणा है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत तीन नए विचार पर उदय कब हुआ और उन विचारधाराओं का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल के अंतर्गत 1970 के दशक मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ था। ठीक है, ये तीन जो हैं 1970 के दशक में ही हुए थे। 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर है, प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना ही प्रकृति मानवीकरण कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है, भूगोल का भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो भूविज्ञान एवं भूगोल की शाखा के मध्य अंतर संबंध और भूमिगत जल की स्थिति, जल स्रोतों आदि का अध्ययन भी दोनों एक ही विषय में किया जाता है। भूविज्ञान में भूगर्भ से संबंधित विषयों का विचार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में उनका संक्षिप्त रूप से मनोपयोगी दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये दो अंतर हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भूगोल का वनस्पति विज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा भूगोल में वनस्पति तथा घास के मैदान का अध्ययन किया जाता है। ऐसे वनस्पति विज्ञान में भी होता है। भूगोल में जहाँ वनस्पतियों का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में होता है, वहीं वनस्पति विज्ञान में उनकी जो है वैज्ञानिक संरचना तथा पर्यावरण उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, तो ये 18 नंबर का है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रमुखता आदि के विश्लेषण किया जाता है, जबकि भूगोल के उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल में भी एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य द्वारा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है। अब 19 नंबर प्रश्न जो है, भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं एवं संसाधनों के विकास द्वारा मानव समाज के विकास का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और मानव के संबंधों का, जिनसे मानव की आर्थिक क्रियाएं व संसाधन भी शामिल हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, इससे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि व्यवहारवादी भूगोल, समाजवादी कल्याण का भूगोल, संस्कृति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, संसाधन भूगोल। ठीक है, ये इनके क्षेत्रों का नाम है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम हैं। अब लास्ट प्रश्न जो है, यहाँ पर 21 नंबर यहीं पर ख़त्म होता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। मानव भूगोल किस प्रकार अध्ययन सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्वर्षीय है, एवं क्योंकि इससे मानव और प्राकृतिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका सामाजिक विज्ञानों में गहरा संबंध है, जैसे मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान इत्यादि। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।